Hey students, good morning. मैं आपकी रानी मिस from Mother Shadow School से. मैं आपको साइंस पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थ्री का. देखिए आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वन लेशन में यूनिट वन में द लिविंग वर्ल्ड. द क्या पढ़ना है? द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव संसार. देखिए जैसे यहाँ से दिया हुआ है, एज वी लुक अराउंड वी सी एंड फील ए वर्ल्ड फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने चारों तरफ बहुत से संसार में बहुत से ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तु और सामान देखते हैं और क्या करते हैं, फील करते हैं. थिंग्स डेट आर स्मॉल एंड बिग यानी कि वस्तु क्या होता है, स्मॉल और बिग होते हैं, बड़ा और छोटा होते हैं. वाइड एंड नैरो थिन एंड फैट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बड़ा छोटा चौड़ा और क्या होते हैं, नैरो होते हैं और लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग भी होते हैं, सजीव और निर्जीव भी होते हैं. आपको यहाँ पर जानना है कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं क्या है. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स इज द वन विच नेवर हैड एंड विल नेवर हैव लाइफ इन इट. नॉन लिविंग थिंग्स क्या है कि उसमें कभी भी यानी कि लाइफ नहीं होते हैं. द नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. नॉन लिविंग थिंग्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, वन में नेचुरल, टू में मैन मेड. कितने टाइप के होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप के होते हैं, वन होते हैं नेचुरल, टू होते हैं मैन मेड. आपको यहाँ पर जानना है कि नेचुरल थिंग्स क्या है. नेचुरल थिंग्स मीन्स क्या होता है कि प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक से मिला हुआ है. नेचुरल थिंग्स के बारे में आपको यहाँ पर जानना है. द थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, स्नो, रेन, क्लाउड्स, स्लिप्स एंड ओशंस आर नेचुरल थिंग्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि पहाड़, नदी, बर्फ, वर्षा, क्लाउड यानी कि क्लाउड, चट्टान, ओशियन, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है यानी प्राकृतिक द्वारा हमको दिया हुआ है. आर नॉन लिविंग थिंग्स और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स भी है. जैसे कि माउंटेन को देखिए, ये क्या है? हम बनाए नहीं है, ये प्राकृतिक से हमको मिला हुआ है, नेचुरल थिंग्स है. अब आगे आपको पढ़ना है मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव द्वारा बनाए गए हैं. मैन मेड थिंग्स आर मैन बाई मैन मेड थिंग्स आर मेड बाई मैन. मैन मेड थिंग्स क्या है? जो यानी कि मैन द्वारा बनाया गया है. दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स ये यानी कि क्या है? बहुत से टाइप्स के है. जैसे कि जैसे मान लीजिए मैन मेड थिंग्स में आ जाएगा आपको बल्ब, पेन, वॉच, बुक, देख लीजिए ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, टेबल है, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स है. आगे आपको बताया जा रहा है थिंग्स मेड ऑफ वुड. क्या है? थिंग्स मेड ऑफ वुड यानी कि लकड़ी द्वारा बनाए गए. लकड़ी द्वारा क्या क्या बनाते हैं? फर्नीचर, फर्नीचर है, बोर्ड्स है, हाउस है, आइटम्स, ये सब क्या है? यानी कि वुड द्वारा बनाए गए हैं. थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से हम लोग क्या बनाते हैं? मग्स, प्लेट्स, कप्स, ग्लास, इटीसी, ये सब क्या चीज बनाते हैं? प्लास्टिक से. प्लास्टिक का कप आप देखे होंगे, ग्लास देखे होंगे, प्लेट देखे होइएगा. अब आपको जानना है थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स. एयरप्लेन, स्टील, स्विंग्स, कार, स्कूटर्स, इटीसी, ये सब क्या है? मेटल से बने हुए हैं. थिंग्स मेड ऑफ केमिकल्स. अब यहाँ पे जाना है कि केमिकल से क्या क्या वस्तु बनाए जाते हैं. नाइलोन, फैब्रिक, मेडिसिन, पॉलिथीन, इटीसी, ये सब क्या चीज से बनाते हैं? केमिकल्स से. आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेम टू थिंग्स इच मेड ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ. यहाँ पे आपको लिखना है कि जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं उसके यहाँ पर नाम लिखना है. जैसे कि वुड, लकड़ी से आप क्या बना पाइएगा, उसके यहाँ पर दो एग्जाम्पल देना है, आप लोग ये सब बना लीजिएगा. इतना आप लोग आगे हम कल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इतना आप लोग रीड करके आइएगा और ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा.